हेलो बच्चों, तो आज अपन इस वाले लेक्चर के अंदर देखो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म करते हुए अपन अब कहाँ आ गए, केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए। तो देखो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ आपके लिए कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मेरे लिए कम होता जा रहा है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँ तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ तो देखो दो तीन टाइप की हैं रिएक्शंस हैं। जैसे आपको एल्डिहाइड में मैंने पांच टाइप की रिएक्शन दी थी केमिकल प्रॉपर्टी में, याद करो, है ना। उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में चार पांच टाइप की, दो तीन टाइप की रिएक्शन आएगी, ठीक है। अब वो दो तीन टाइप की क्या कौन सी रिएक्शन आएगी तो वो सुनना। जैसे आपके पास में एक पूरा सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, तो सी डब्ल्यू एच ग्रुप की खासियत ये है कि वो एसिडिक है, तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, तो उसकी एसिडिक कुछ रिएक्शंस आएगी, ठीक है। कुछ क्या हुआ कि कार्बोनल ग्रुप के जस्ट बगल में कि यदि अल्फा कार्बन हो और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो तो एक अल्फा हाइड्रोजन के कारण भी रिएक्शन होती है। जैसे वहाँ मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन पढ़ाई थी, एक एल्डोल पढ़ाई थी और एक केनिजारो पढ़ाई थी, याद है। एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन वही होती थी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता था, जबकि केनिजारो रिएक्शन वही होती थी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था। ट्रिक भी बताई थी वहाँ कराने की, ठीक है। अब उसके बाद में तो अपन यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन अब आपको पकड़ में आना चाहिए, तो सुनना। जैसे आपकी पहली रिएक्शन है यहाँ पे एच वी जेड, कौन सी रिएक्शन है, एच वी जेड, एच वी जेड, एच वी जेड का मतलब ये है हेल वोलार्ड, ठीक है, जेलेंस्की। तो देखो ये हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन ये 2017 नीट के अंदर आ चुकी है, ठीक है ना। कन्वर्जन फॉर्म में दी थी ये रिएक्शन, ठीक है, लेकिन आज अपने को पूरी रिएक्शन पढ़नी है। अब ये रिएक्शन सिर्फ वहीं होती है जहां पे ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हो। मेरे कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछ ले क्या HCWH एच वी जेड रिएक्शन देगा, तो नहीं देगा। आई बात समझ में? ये साइंटिस्ट के नेम की रिएक्शन है, याद रखना। तो एच सी डब्ल्यू एच नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझो, मेरे पास किस टाइप का ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, ओ एच, और इधर बगल में क्या हो, सी एच थ्री। तो ये वाला जो कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो आपको पता है, उसके ऊपर वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले में जब मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी किसकी, एल्डिहाइड की, तब ये आपको मैंने बात पढ़ाई थी कि कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। ए से एसिडिक भी बताया था कुछ, याद है, सुनना। अब ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, तो जब इसकी रिएक्शन मैं आपको बताऊं हुआ क्या, इसकी रिएक्शन क्या हुआ, इस तरीके से कराई गई। देखो एक एक्स टू ले लिया, ठीक है, क्या लिया यहाँ पे, एक्स टू, एक्स टू का मतलब है हेलोजन। हेलोजन अब सुनना क्या क्या हो सकता है, एक तो Cl2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है, समझना पहले आराम से। एक तो Cl2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है। अब कोई बोले F2, तो F2 बहुत फास्ट रिएक्शन कर देता है, बहुत विस्फोटक रिएक्शन होती है, इसलिए F2 को यूज नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है F2, तो जो प्रोडक्ट आप सोचते हो वो प्रोडक्ट नहीं मिलता। तीसरी चीज, दूसरी चीज, कई अब लोग सोचते हैं सर I2 क्यों नहीं लिया, तो I2 में आपको बताऊं रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है, इसलिए I2 काम में नहीं लेते। तो आपको ये रिएक्शन सिर्फ Cl2 और Br2 की प्रेजेंस में करानी है, और साथ ही साथ इसमें क्या लेना है आपको, रेड फास्फोरस, क्या लेना है, रेड फास्फोरस, और रेड फास्फोरस के साथ इसको हल्का सा क्या करना है, हीट देना है, हल्का सा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं, हल्का सा, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर। जैसे ही आप इस रिएक्शन को कराओगे तो होगा क्या, इसे एक H2 की जगह आप Cl2 या Br2 आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं H2 ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। H2 की जगह Cl2 Br2 आप लेते रहना, लेकिन मैं सिर्फ H2 ही लूंगा। अब होता क्या है, सुनो, एक H2 ले लेते हो तो H2 लेने के बाद में क्या होता है, CH2X C डबल बॉन्ड OOH। तो होता क्या है, यहाँ का एक हाइड्रोजन H+ में निकलता है और यहाँ का X- निकल जाता है, ठीक है। तो एक H और एक X निकल के क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे HX निकाल लेते हैं। बोलो आती है बात समझ में,
कहने का मतलब ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो सोचो इस पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो देखो एक एच प्लस की यहाँ से निकलता है तो इस पे तो पीछे माइनस छोड़ के जाएगा, और एच टू को आप इस तरीके से तोड़ लो एक एच प्लस में और एक एच माइनस में, तो एच प्लस और एक एच माइनस तो निकल गया एच एक्स में, और जबकि एक एच वहाँ जाके जुड़ जाता है इस कार्बन पे, ये कार्बन पे माइनस है ना, ये देखो कार्बन पे माइनस है तो इस माइनस पे जाके जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकती है, रिएक्शन आगे चलेगी, सुनना कैसे, रिएक्शन आगे इस तरीके से चलेगी, इस पे क्या है मैं फिर से एच टू डाल दूँ, ठीक है वही मेरे पास रेड फास्फोरस, ठीक एच टू और रेड फास्फोरस और हल्का सा हीट दूँ, तो होता क्या है फिर से एक एच निकल जाएगा और एक फिर से एच एक्स निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से सी एक्स टू एच और यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ टू एच, फिर यहाँ से मैं क्या करूँ इस पे रेड फास्फोरस डाल दूँ और इसमें मैं क्या डाल दूँ एच टू डाल दूँ, फिर से क्या होगा ये बन जाएगा सी एक्स थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आपका एच एक्स। तो सिंपल सी बात में यदि इस रिएक्शन को लिखूं, सिंपल सा यदि मैं रिएक्शन लिखता हूं तो सिंपल सा रिएक्शन सुनना क्या होगा, ये होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस तीन एच टू, तीन एच टू ले रहा हूँ सीधा ही, देखो कैसे एक एच टू और एक एच टू, तो तीन एच टू लिए ठीक है, उसके बाद में मैंने इसमें वही रेड फास्फोरस ले लिया, जैसे ही मैं इसको हल्का सा हीट दूंगा तो होगा क्या तीन एक्स और तीन एच एक्स निकल जाएंगे, तो तीन एच एक्स तो यहाँ निकल गए और यहाँ क्या बच गया तो एक्स और उसके लग जाएंगे, तो थ्री एक्स थ्री सी एक्स थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये देखो ये है आपकी पूरी कौन सी रिएक्शन, हेलवोलार्ट जेलिंस की रिएक्शन, तो हेलवोलार्ट जेलिंस की आप टुकड़ों में करोगे तो ये आएगा, आगे की बात समझ में, और आपको एक स्टेप में दे दे तो फिर सीधे जो नीचे वाली करेंगे, लेकिन यहाँ एक्स टू का याद रखना एक्स टू कितने दे रहा है, बात आ गई समझ में, एक्सेस में दे रहा है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, एक बोल रहा है कि एक एक्स टू दे रखा है तो ये बनेगा, आगे बात समझ में, तो ये हेलवोलार्ट जेलिंस की रिएक्शन रख लोगे याद, नाम की ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन याद रखना हो जाएगी। अब ये पूरी रिएक्शन वैसे ही हुई जैसे अभी एक प्लस माइनस थोड़ा था ना, सेम वही रिएक्शन करानी है आपको, आप तो इसे सीधा सीधा याद रख लोगे आगे। तो ये तो किस कारण थी, ध्यान रखना ये नहीं देगा, इसको इसलिए लिया क्योंकि इसके पास में अल्फा कार्बन था और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए हेलवोलार्ट जेलिंस की रिएक्शन ये दे रहा है, इसके पास भी यदि इस तरीके का कुछ होता तो ये भी नहीं देता, तो मेथेनोइक एसिड कभी भी ध्यान रखना हेलवोलार्ट जेलिंस की रिएक्शन नहीं देता, ये आईआईटी पूछ चुका है, ठीक है हटा रहा हूं। अब देखो अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, मतलब एक रिएक्शन तो आपको ये बताई जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण थी, अब ये रिडक्शन है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का फिर एल्कोहल और एल्कोहल का फिर क्या बोलते हैं उसको एल्केन में, लेकिन आपको मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे दूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देखो करता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ आपको आर सी डबल बॉन्ड टू ओ एच, मतलब आपको मैंने क्या दे दिया, ये दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और आपको मैंने एच आई दे दिया, अब जब मैं एच आई आपको दे देता हूं तो सुनना यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा जब इसका रिडक्शन करा रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पे रेड फास्फोरस, तो रेड फास्फोरस और एच आई जो है वो अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, याद है आपको ये मैं रिएक्शन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ये रिएक्शन अपने पहले आ चुकी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो सुनना यहाँ बन क्या जाता है, यहाँ बनता है आर आर, ठीक है प्लस यहाँ बनता है आपकी एच टू ओ, यहाँ छः ले लो तो यहाँ निकल जाता है थ्री आई टू और यहाँ पे आपके होता है यहाँ पे देखो एच टू ओ, इसमें से कितने निकल सकते हैं तो यहाँ से दो एच टू ओ, ये दो ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है दो ऑक्सीजन के साथ में हो गए एक आर और एक आर, तो कहना मैं ये चाहता हूँ आपको कि मेरे पास में ये जो है आर आर नहीं आर सी एच थ्री बन गया, तो देखो हुआ क्या सुनना, आर सी डब्ल्यू एच ये था सिक्स एच आई लेते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, इसको हीट देनी पड़ेगी, जैसे हीट देते हो तो मैं आपको बताऊँ एच आई अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत शानदार वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड वाली गेंद में चेंज कर दिया, आप देख लो आप, तो आर सी डब्ल्यू एच लिया था, तो देखो हुआ क्या एच टू ओ निकल गया
H2O नहीं, यहाँ I2 निकलेगा, ठीक है, और कितना, तीन I2 निकलेगा, तीन I2 निकलेगा। तो ये कंप्लीट मैंने आपको एक बैलेंस रिएक्शन दी है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपसे रिएक्शन वो पूछता है, रख लो भैया। उसके बाद में सुनो, एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी पढ़ा रखी है आपको। देखो तीसरी रिएक्शन बता रहा हूँ, डी कार्बोक्सी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब बी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसमें से कार्बन पकड़ के निकालेंगे और एल्काइल ग्रुप का जो नंबर होगा उसको डबल कर देंगे। देखो अब कैसे, मेरे पास में और इसमें स्टार लगा लेना, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब ये लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं इससे क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन के बाद में कुछ हो सकता है आपको कन्वर्जन भी करा दूँ, तो वो जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन में काम बहुत आएगा, ये कन्वर्जन में आपको बताऊंगा होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। देखो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या है कि, लेकिन देखो मैं एक चीज बताऊँ, वो कन्वर्जन आपसे तभी होगा जब आप पिछले सारे लेक्चर्स के आपको रिएक्शन याद हो, ठीक है, मतलब आपको हर जगह पे वो रिएक्शन याद होनी चाहिए कि हाँ सर हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी तो आज यहाँ काम में ले। तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो ऑर्गेनिक का निचोड़ है वो, ठीक है, यदि आपको रिएक्शन याद है तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा, यदि रिएक्शन याद नहीं है तो कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है कन्वर्जन सॉल्व करना। यदि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब ऑर्गेनिक आपको याद है, हर ये बात समझ, ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद है, यदि आपसे कन्वर्जन नहीं हो रहा इसका मतलब ऑर्गेनिक की रिएक्शन आपको याद नहीं है, और जब रिएक्शन याद होती है ना तो आपको कोई सा भी कन्वर्जन देते आप सब कन्वर्जन कर लोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे अटकते हैं, अटकने का रीज़न एक ही कि वो पढ़ते नहीं है, और पढ़ाया जाता है तो पढ़ते नहीं है, दूसरी चीज़ फिर क्वेश्चन करने बैठते तो सीधे कन्वर्जन पे पहुंच जाते हैं और कन्वर्जन फिर आता नहीं है, और फिर वो डीमोरलाइज होकर ऑर्गेनिक छोड़ ही देते हैं, बोले ऑर्गेनिक करेंगे ही नहीं हम, तो वो रीज़न यही है। तो देखो अब इधर, तो यही बोल रहा हूँ साथ के साथ पीछे का करते चलो, इसीलिए मैं इतने दिन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो डी कार्बोक्सिलेशन में देखो क्या होता है, ये आपके पास में किस तरीके से होगा, देखो ये ले लो आप CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा सोडा लाइम के साथ NaOH और CO, ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं सोडा लाइन, क्या बोलते हैं सोडा लाइन, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1, ध्यान रखना 3:1, इसको यूज लेंगे, जब इसको यूज लोगे तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा आपका CH4, ठीक है, प्लस आपका CO2 गैस निकाल देगा, प्लस आपका Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, बात आ रही है समझ में। तो ये देखो इस रिएक्शन का काम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखना, CO2 नहीं निकलेगी यहाँ से, CH4 यहाँ ये निकल जाएगा Na2CO3। बोलो आती क्या बात समझ में, ये देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें चेंज कर दिया, मेथेन के अंदर। तो ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड से मेथेन बनाने का प्रोसेस भी आपको मैं ये पीछे एल्केन में पढ़ाया था, ठीक है, याद रख लोगे। चलो दूसरी तीसरी टाइप की रिएक्शन आपको कराया था, अगली रिएक्शन सुनो कोलबे रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ ये क्लास 11th में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, और ये मैं पीछे भी पढ़ा चुका आपको, ठीक है, जब आपको मैंने एल्केन बनाना पढ़ाया था। देखो तो ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, वही घूम घूम के वापस आएगी, ठीक है ना, बस ये आप कहाँ उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लगता है ऑर्गेनिक बहुत बड़ी हो गई, ऑर्गेनिक बड़ी हुई नहीं है, थी नहीं ऑर्गेनिक बड़ी, बड़ी तो अपन ने कर दी, ठीक है। देखो अब फोर्थ कौन सी रिएक्शन है, कोलबे रिएक्शन, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सी रिएक्शन है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। अब कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या वो सुनो, एक इस तरीके से क्या ले लो CH3CWNA सोडियम एसिटेट ले लो और इसकी रिएक्शन करा लो इसके साथ 2H2O के साथ, ठीक है, तो आपका बनता क्या है, ये बनता है आपका CH3 CH3 plus CO2 plus NaOH, ठीक है, NaOH NaOH में कितना निकलेगा 2। तो देखो आपकी जो रिएक्शन है मैंने पूरी बैलेंस कर दी, ठीक है ना, यहाँ पे आपके दो लोगे और यहाँ भी दो,
बोलो आती है बात समझ में, ये आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइसिस से होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से होती है, ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है विद्युत अपघटन, तो इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन रिएक्शन, ठीक है। तो अब सुनो, कोल्बे विद्युत अपघटन में तो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में दो चीजें होती है, तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है, दोनों की रिएक्शन सुनो। तो एनोड की क्या रिएक्शन होती है, तो एट एनोड, और एक रिएक्शन होगी वो कहां होगी, कैथोड पे होगी, तो एट कैथोड। तो पहले एनोड की रिएक्शन देखेंगे, फिर किसकी देखेंगे, कैथोड की। तो देखो प्रोडक्ट तो ये मिल रहा है, बात आ रही है समझ में, प्रोडक्ट आपको ये मिलता है, प्लस आपको एक एच टू गैस भी निकलती है, याद रखना क्या निकलती है, एच टू गैस। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ, मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म में ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट लगा लो उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में आती है और आएगी, ठीक है। देखो एनोड में क्या होता है, देखो मैं पहले इसमें ही बताता हूँ प्रोडक्ट में क्या क्या तो एनोड में मिले और क्या क्या कैथोड में मिलता है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों जो है वो तो कहाँ मिलते हैं, एनोड पे, ठीक है, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं आपको, कैथोड पे। तो ये तो आपको एनोड पे और ये आपको कैथोड पे। अब सुनना एट एनोड क्या होता है, तो मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपको बताऊं, तो देखो बताने को तो बहुत कुछ चीज है, मैं आपको लेकिन वही बताऊंगा जो काम का है, ठीक है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो होती है आपकी फ्री रेडिकल आयनिक मैकेनिज्म, मतलब ये आयनिक मैकेनिज्म के साथ साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयनिक में आयन बनेंगे, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल बनेंगे। तो देखो कैसे, अब आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, मैंने इस रिएक्शन को खोल के लिख दिया, समझ लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो सुनना इसमें होगा ये, जब इस रिएक्शन को आप कराओगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे एनोड के ऊपर, तो सुनना क्या होगा, देखो ये वाला जो है सोडियम, ये तो प्लस में निकल जाएगा और ये जो है यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, माइनस। और इतनी बात आती है समझ में, सोडियम प्लस में और ये, और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इस बॉन्ड में, तो इस बॉन्ड में सब दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका और एक इसका, बोलो आती है क्या बात समझ में, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, बोलो आ गई बात समझ में, सुनना। अब जब इस तरीके से रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में होगा क्या, सुनो, जब ये वाला पूरा बॉन्ड टूटा है, ये वाला पूरा बॉन्ड टूटा है, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन पे, और इसके आगे देखो इस टाइप कितने मॉलिक्यूल काम मिल गए थे, दो। तो होता क्या है, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं दो सी एस थ्री, देखो इस तरीके से, देखो सी एस थ्री के दो फ्री रेडिकल बनेंगे, साथ ही साथ दो सी ओ टू के मॉलिक्यूल निकलेंगे, सी ओ टू देखना इस तरीके से, देखो ये वाला माइनस है ना, ये तो यार रेजोनेट कर जाएगा, और रेजोनेट करने के बाद में ये पूरा बन जाएगा सी ओ टू, देखो ये बन गया आपका सी ओ टू, तो सुनना प्लस सी ओ टू, ठीक है, प्लस आपका क्या मिल रहा है आपको, दो सोडियम मिल रहे हैं, ठीक है, और दो सोडियम के साथ में आपको दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। पूछना क्यों, देखो ये वाला तो इसमें रेजोनेट करके चला गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक, लेकिन आगे कितने लगा हुआ है, दो स्टोइकोमेट्री में, अब इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन ये मीडियम में निकल जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन मीडियम में निकलेंगे और दो इलेक्ट्रॉन मीडियम में निकलते, देखो इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन, बोलो आती के बाद समझ में। अरे भाई देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये तो ऐसे थी, और ये देखो ये CO2 निकला है, ये CO2 निकल गया और इस तरीके से दो लगा हुआ है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और दो CH3। अब ये CH3 को देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 फ्री रेडिकल और दूसरा CH3, क्योंकि दो है ना आगे, दूसरा CH3 फ्री रेडिकल, अब इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना सकता है, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, एथेन बन गया ये सर, तो इसको अब क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं अपन एथेन। तो देखो एक बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप था उस एल्काइल ग्रुप को डबल कर दिया मैंने, ये देखो एल्काइल ग्रुप को डबल कर दिया, सेम वैसी रिएक्शन है जैसे वुड्स रिएक्शन पीछे कराई थी आपने, ठीक है। तो देखो एनोड पे ये रिएक्शन चल रही है। अब कैथोड की रिएक्शन सुनना, अब मैं इसको है ना मैं सही से लिख देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था,
ठीक, इसको मैं सही से लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा। देखो आपको समझाने के लिए था, ये तो ये सोडियम ये बन गया आपका और ये आपका इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, बस ये समझाने के लिए लिखा था आपको मैं, ठीक है। ये बना कैसे, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकली, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो सुनना, एट कैथोड, तो कैथोड के ऊपर सुनना क्या रिएक्शन होगी। ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुंच गए, कैथोड पे होगा रिडक्शन। क्या होगा, हमेशा याद रखना, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये जब मैं आपको थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो कैथोड पे सुनो, कैथोड पे आपके पास में पानी पड़ा है और पानी है 2H2, पानी के आपके पास 2H2। तो इस 2H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, बोलो लिख सकता हूँ है। अब हुआ क्या सुनना, तो पानी जो है वो इस फॉर्म में टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब था, पानी को आपको मैंने तोड़ के बता दिया, पानी इस तरीके से टूटा हुआ पड़ा है। अब होगा क्या सुनो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आके इसके पास मिल जाएंगे H प्लस को, क्योंकि H प्लस के पास तो खुद एक इलेक्ट्रॉन था, H प्लस बन गया, इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं है, ठीक है। ये अब पूरा भिखारी हो चुका है, इसको 2H प्लस है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। तो सुनना, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, दूसरे H के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, और दोनों H जुड़ के क्या अपना डालेंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या अपना डालेगा, H2। बोलो H2 बना डाला। और ये जो 2OH माइनस है, ये 2OH माइनस है, ये दो सोडियम जो यहाँ से निकल रहा था, ये दो सोडियम, तो देखो ये दो सोडियम कहाँ पहुंच गया, OH माइनस के पास। और जो ये सोडियम OH माइनस के पास पहुंचा है, तो दो Na प्लस और 2OH माइनस मिलकर क्या बना रहे, 2NaOH। बात आती है समझ में। तो देखो आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या बना, ये वाला और ये वाला तो कहाँ बना आपको, एनोड के ऊपर, जबकि ये वाला दोनों कहाँ बना, कैथोड के ऊपर। तो ध्यान रखना, आपसे कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म पूछ सकता है, तो मैकेनिज्म यही होगी उसकी। बात आ गई समझ में, तो ध्यान रखना NaOH और H2 तो कहाँ निकलेगा आपका, कैथोड के ऊपर। देखो अधिकतर रिएक्शन में आपको बताऊँ ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जहाँ होता है कैथोड पे H2 निकलती है, ये ट्रिक मेरी याद रखो कहीं भी, ठीक है। देखो कैथोड के अंदर H आ रहा है, याद रखना H हाइड्रोजन निकल रहा है, याद रखना ये, क्योंकि पूछा हुआ रिएक्शन है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। और CBSE में तो 10th क्लास में ही रिएक्शन आया हुआ है, ठीक है। चलो हो जाएगा, आगे चलो। ऐसे आपका 5th रिएक्शन है, तो ये आपको अपने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के मैकेनिज्म पढ़ा, ये मैकेनिज्म क्योंकि पूछता है आपसे, ठीक है ना। अब देखो, अब अगली आपकी श्मिट रिएक्शन, कौन सी श्मिट, ठीक है, आपकी 5th रिएक्शन श्मिट। श्मिट सुनना क्या होता है, ये होती है आपके पास में R3OOH प्लस N3H। सर ये क्या लिख रहे हो, पागल हो गए क्या आप, हैं N3H लिख रहे हो, NH3 होता है, अमोनिया होता है, N3H कब से होने लग गया हैं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, N3H भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, याद रखना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक, क्योंकि देखो एक बार क्या एक्सटर्नल आया था, ठीक है, उसने बोला अमोनिया का फॉर्मूला लिखो बच्चे से। अब अमोनिया का फॉर्मूला बच्चा नहीं था, बच्ची थी, ठीक है, लड़की थी, उससे उसको ऐसे बोला अमोनिया का फॉर्मूला लिखो, तो अमोनिया देखो ये होती है NH3, ठीक है। अब उसने क्या हुआ, उसने ये लिख दिया N3H, बोला ये नहीं होता क्या। तो अब होता क्या है कि 12th क्लास में ये भी पढ़ा था, अब उसके दिमाग, अब ये याद नहीं आया ये होता क्या है, अब उसके कंफ्यूजन होने लग गया कि ये अमोनिया ये अमोनिया, क्योंकि मैडम ने ये भी लिख दिया जो एक्सटर्नल लाइट थी, उसने ये भी लिख दिया और ये अमोनिया का फॉर्मूला उस लड़की ने लिखा। अब जब जैसे ही ये वाला फॉर्मूला लिखा, वो लड़की कन्फ्यूज हो गई, ये हुआ क्या, अब हुआ ये कि NH3 और N3H दोनों होते हैं, ठीक है। अब NH3 तो ध्यान रखना अमोनिया है और N3H हाइड्रोजोइक एसिड है, याद रखना, अगर ये बात समझ में, हाइड्रोजोइक एसिड है। तो श्मिट रिएक्शन में स्पेशल है हाइड्रोजोइक एसिड, तो देख लो पहली बार आप N3H देख रहे हो, ठीक है। अब जब ये आप ये देख रहे हो तो होता क्या है, बहुत अब तो आसान सा काम हो गया, ठीक है सर। तो देखो
ये बनता क्या है, इसको हीट देनी है बस। हीट देते ही क्या बना लेता है आपका R NH2 प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, देखो आपका क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो N2 तो देखो ये निकल गया इसमें से, एक है जो एक है उसके पास चला गया, और एक यहाँ से निकल गया आपका CO2। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना हाइड्रोजोइक एसिड होता है ये, N3H हाइड्रोजोइक एसिड है, इसमें रिएक्शन में अपन काम में ले गए, याद रख लोगे। ठीक है, आगे चलो, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड OH की है। सिक्स्थ रिएक्शन जो है ना वो इन दोनों को बॉन्ड को तोड़ने की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो बड़ी इजी सी है, देखो क्या है, यदि आप लेते हो R C डबल बॉन्ड O OH और इसकी रिएक्शन करा लो PCl5 के साथ, तो ये रिएक्शन तो आपने कई जगह करा ली है, PCl5 याद आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। POCl3 निकालना है, HCl निकालना है, प्लस आपको क्या बना डालना है R C डबल बॉन्ड O Cl। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। अब ये क्योंकि मैं चार पांच बार पीछे पढ़ा चुका इसलिए मेरे को बार बार अभी याद हो जाती है। ठीक है ना, बार बार लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसलिए याद हो गया। फिर उसके बाद में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसकी रिएक्शन कराऊँ पी सी एल फाइव के साथ, सॉरी पी सी एल फाइव के साथ नहीं, पी सी एल थ्री के साथ, तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो होगा क्या, ये बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एच थ्री पी ओ थ्री। ठीक है, यहाँ तीन लग जाएगा और यहाँ तीन लग जाएगा, बात आ गई समझ में। अरे ये तो कई बार कराई है, एल्कोहल पढ़ाया था तब भी कराया था, एल्कोहल पढ़ाया था तब भी कराया था, अगली बात समझ में, कई जगह करा दी यार ये तो। ठीक है, उसके बाद में सुनो, तो ये एक ये तो हो गई है, एक आपको ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एस ओ सी एल के साथ, नहीं ये देखो ये था, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, ये थायमिन क्लोराइड है, आपको डार्जन रिएक्शन पढ़ाई थी पीछे उसमें कराई थी। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एस ओ टू गैस निकल जाएगी, प्लस आपके क्या निकल जाएगा, एक आपके निकल जाएगा एच सी एल। बोलो आती है बात समझ में, तो ये आपके क्या होगा, इतनी चीज़ें आपके निकल जाएगी, रख लोगे याद। तो ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शनें थी, आई बात समझ में। इसके आगे की कुछ रिएक्शंस हैं जो अपन अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर आगे की जो रिएक्शंस बची है आपको देखो मैं बताऊं तो बहुत सारी रिएक्शन हैं अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी भी इसके अंदर कुछ बची हुई है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा इसके अगले रिएक्शन। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो चुका है। ठीक है, बड़ा लेक्चर आप भी देखना पसंद नहीं करते ना, मैं बनाना पसंद करता। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो एक दिन आगे खिसक जाती है बात, नेक्स्ट लेक्चर बोलते ही। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू लेक्चर आ रहा है आपके पास में। ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो, बहुत ज़रूरी है पढ़ना इस समय क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, मज़े कर रहे हो, मज़े के साथ पढ़ते भी रहो। ठीक, और लोगों के साथ शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना काम आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।